हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं एमसी स्टैन से। तो बिग बॉस में दिवाली वाला जो एपिसोड था उसमें एमसी स्टैन ने ये बताया था कि उनका जो पेंडेंट है वो टूट चुका है और वो पेंडेंट तोड़ा है प्रियंका ने। तो वैसे उनके पास काफी सारे पेंडेंट्स हैं। खैर, नेक्स्ट अपडेट सिकंदर कालो की साइड से। तो सिकंदर कालो का हिम्मत सांधू के साथ एक गाना आने वाला है जिसका नेम है एके दी बैरल। इसके अलावा इक्का जो है वो प्रभजोत पाजी के लिए एक स्टोरी डालता है। तो प्रभजोत पाजी एक व्लॉगर है जिनका फिलहाल एक्सीडेंट हो गया है। अभी पता चला प्रभजोत भाई का एक्सीडेंट हो गया, परमात्मा चंगा करे जल्दी। आज ही वीडियो देख रहा था भाई की। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो बादशाह एक ट्वीट करता है, स्टॉप क्रीपिंग अबाउट योर फेवरेट आर्टिस्ट बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम हसल 2 एंड स्टार्ट वोटिंग फॉर देम, योर वोट्स हेल्प बिग टाइम। जीडी वाज वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस टू गेट एलिमिनेटेड। तो हसल की बात हो रही है, तो हसल के जो मानिक है वो अभी 200K मंथली लिसनर्स क्रॉस कर चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो अभी कुछ न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिले जिनका टाइटल है सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ा पंजाबी सिंगर अफसाना खान का नाम, सिद्धू मूसेवाला केस में आया नया मोड़, शक के घेरे में मुंह बोली बहन अफसाना खान, अफसाना खान शक के घेरे में, NIA ने की 5 घंटे पूछताछ। तो इन सब आर्टिकल्स का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। खैर, नेक्स्ट अपडेट जो है वो कृष्णा की साइड से। तो कृष्णा का आई गेस ट्रैक आउट हो चुका है, तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो जाके सुन सकते हो। तो गाने के बारे में बात करें तो लास्ट ट्रैक जो कृष्णा ने ड्रॉप करा था वो एक डेस्ट ट्रैक था और उसके काफी टाइम बाद ये ट्रैक देखने को मिला है और इसमें भी काफी शॉट्स लिए हुए कृष्णा ने MEV पे। खैर, काफी अभी मिक्स ओपिनियंस आ रहा है, कुछ लोगों को ट्रैक पसंद नहीं आ रहा है। रीजन ये कि कृष्णा कुछ यूनिक टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं और कुछ लोगों को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि हुक काफी ज्यादा सही है गाने का। तो आप लोग बताओ कि आप लोग को कैसा लगा ट्रैक। इसके अलावा काल जो है वो एक स्टोरी डालता है, सेम चीज बार बार अपने ट्रैक्स में क्लेम करना आपको लेजेंड या पाइनियर नहीं बनाती। तो अब बात कर लेते कान्ये वेस्ट के बारे में। तो कान्ये वेस्ट जो है वो अब बिलियनर नहीं रहे और इसका रीजन यह है कि एडिडास ने अभी अपने सारे टाइज कट कर लिए कान्ये वेस्ट से और फिलहाल उनकी नेटवर्थ हो गई है 400 मिलियन, जो कि कुछ टाइम पहले बिलियन से पार थी। तो ये टाइज सिर्फ एडिडास ने कट नहीं करे, इसके अलावा भी काफी कुछ हुआ है। तो उनका जो रिकॉर्ड लेबल है गुड म्यूजिक, वो अब डेफ जैम म्यूजिक का पार्ट नहीं है। इसके अलावा बैलेंसियागा और वोग ने उनके साथ सारे टाइज कट कर लिए हैं। इसके अलावा एक टैलेंट एजेंसी है जिसका नाम है CAA, उन्होंने भी अभी ड्रॉप कर दिया कान्ये वेस्ट को, वो अभी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। और JP मॉर्गन ने भी उनसे टाइज कट कर लिए हैं। तो इन सारी चीजों का रीजन क्या है, तो कुछ टाइम पहले कान्ये वेस्ट ने एक एंटी सेमेटिक ट्वीट करा था जो कि उन्होंने कुछ टाइम में डिलीट कर दिया था, बट फिलहाल वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसी कारण से कान्ये वेस्ट से कंपनीज जो है वो भी दूर जाना चाह रही है ताकि उन ब्रांड्स की इमेज ना खराब हो। खैर, इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।